मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, प्रातःकाल का नमस्कार। हम आप लोगों को विलयन पाठ बता रहे हैं रसायन विज्ञान का, जिसमें कि हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं, गणनाएं बता रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ गणनाएं बता चुके हैं हम, आज मतलब कि इस वीडियो में उसके आगे वाले गणनाएं बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कापी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जैसे जैसे जो है कि हम बता रहे हैं आप लोग वैसे वैसे सीरियल वैसे करते चलिए, ठीक है ना। तो इसमें इसी क्रम में हम आप लोग बताएंगे आज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आपका 2.8 क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि एथिल ग्लाइकॉल तथा एथिल ग्लाइकॉल कह रहा है कि 222.6 ग्राम एथिल ग्लाइकॉल, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 222.6 ग्राम एथिल ग्लाइकॉल। एथिल ग्लाइकॉल होता क्या होता है, एथिल ग्लाइकॉल। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो एथिल ग्लाइकॉल का होता है CH2OH। ये एथिल ग्लाइकॉल है, ठीक है ना। इसका कह रहा है कि कितना ले रहा है, 222.6 ग्राम इसका ले लिया, 6 ग्राम। 200 ग्राम जल में, जल लिया है H2O 200 ग्राम, ले लिया कितना एथिल ग्लाइकॉल 222 ग्राम। इसको 200 ग्राम जल में मिला करके प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया, मिला करके एक मिश्रण बनाया जा रहा है, ठीक है ना। विलयन की मोललता की गणना कीजिए, कह रहा है मिश्रण जो बन गया, जो विलयन बना उसकी मोललता की निकालना है। क्या निकालना है, मोललता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व, घनत्व दिया हुआ है, घनत्व दिया है आपका 1.072 दिया हुआ है, तो विलयन की मोलरता भी फाइंड कीजिए, मोलरता मोलरता भी फाइंड करना है, ठीक है ना। और मोललता भी फाइंड करना है, मोललता, ठीक। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 222.6 ग्राम एथिल ग्लाइकॉल को 200 ग्राम जल में घोल करके मिश्रण बनाया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि इस मिश्रण की मोललता याद कीजिए, और यदि इसका घनत्व दिया हो तो मोलरता भी फाइंड कीजिए, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करते हैं आपका मोललता, पहले फाइंड करते हैं विलयन की मोललता, पहले फाइंड कर लीजिए मोललता। देखिए दिया हुआ है मोललता, मोललता फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन को आप लोग करते चलिएगा साथ साथ, या नहीं तो वीडियो को रोक करके कर लीजिएगा, क्योंकि जगह कम है
पहले हम मोलरता निकालेंगे, इसको इरेज कर देंगे तब मोलरता निकालेंगे। तो मोलरता के लिए क्या चाहिए, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अब बटे में विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। आइए भाई अब किसकी मोलों की संख्या, तो एथिल ग्लाइकॉल घुला है ना, एथिल ग्लाइकॉल घुला हुआ है किसमें, जल में। हम इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे लिख देंगे भाई, तो W इंटू 1000 बटे में M इंटू विलायक का भार ग्राम में। W क्या है, तो विलेय का भार है। एम क्या है, अणुभार है। ये क्या है, विलायक का भार है, ठीक ना। तो आते हैं हम लोग लिखते हैं W विलेय का भार कितना ग्राम है भाई, दे दिया हुआ है आपका कितना, 222.6 ग्राम। इस W के स्थान पर लिखेंगे 222.6, W हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं आपका 1000 बटे में एम अणुभार किसका, एथिल ग्लाइकॉल का, ये एथिल ग्लाइकॉल है, अणुभार इसका निकालेंगे, अणु भार, ठीक है ना, इसका जोड़ कर निकालेंगे तो इसका अणुभार आ जाएगा आपका 62, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 62 ग्राम, सबको जोड़ेंगे कार्बन हाइड्रोजन सब जोड़ेंगे तो 62 आएगा, 62 गुणे विलायक का भार, विलायक कौन, वाटर है, 200 ग्राम है। कटा दीजिए आपका आ जाएगा 17.95, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया मोललता, क्या हो गया, मोललता, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको मोललता फाइंड करने हैं, तो देखते हैं इसको हम लोग नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करते चलिए। अब फाइंड करना है मोलरता, तो मोलरता इक्वल क्या हो जाएगा, वही W इंटू 1000 M इंटू बिलियन का भार, विलयन का आयतन, आयतन इसमें मिली लीटर में, विलयन का आयतन ml मिल लेंगे। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, W ले लेंगे, क्या है भाई, यही 222.6, ठीक है, 1000 से इंटू कर देंगे, बटे में M वही इसका अणुभार कितना था, 62 ग्राम था इसका अणुभार, अणुभार एथिल ग्लाइकॉल का, तो अणुभार ले लीजिए कितना, 62। अब आ गया विलयन का आयतन, नहीं दिया हुआ है, विलयन का आयतन
नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम देखेंगे विलयन का भार कितना होता है, निकालेंगे। तो विलयन का भार आइए, तो विलयन का भार कितना है भाई, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, विलय प्लस विलायक, तो विलयन का भार हो जाएगा। तो विलय कितना है, 200 प्लस 6, तो आपका ही हो जाएगा विलयन का भार कितना हो जाएगा, तो 422.6 ये ग्राम हो गया। हमें लिखना है विलयन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर भार बटे घनत्व। भार दिया हुआ है आपका 422.6 अब बटे में घनत्व, घनत्व कितना दिया हुआ है 1.072 डिवाइड कीजिए तो आपका आ जाएगा 394.2। ये आ गया आपका आयतन किसका, विलयन का, ठीक है। W रखिए दिए हैं 1000 मल्टीप्लाई रख दिया गया है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन निकालने के लिए विलयन का भार पूरे विलय और विलायक को जोड़ दिए, भार इतना आ गया। अब आयतन में बदलने के लिए आयतन बराबर होता है भार ये मास बटे घनत्व, तो टोटल मास रख दिए, घनत्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइड कर दिए, ये आयतन आ गया विलयन का, तो कितना आ गया 394.2। इस फॉर्मूले में रख देंगे, इस फॉर्मूले में, इसमें हमको मोलरता फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हम तो इस फॉर्मूले से आयतन निकाल लिए, इसमें रख दिए, तो ये आपका जो है कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9.11, ठीक है ना, एम मीन्स आंसर आपका हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 2.8। अब इसी क्रम में हम आप लोग बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2.9, देखते हैं इसको, आप लोग नोट करते चलिए। अब कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2.9 कह रहा भाई, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक पेयजल का नमूना में क्लोरोफॉर्म की जो अशुद्धियां हैं वो दिया हुआ है 15 ppm में, क्लोरोफॉर्म पीने वाली जो पानी है उसमें क्लोरोफॉर्म की जो अशुद्धियां हैं वो 15 ppm है, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है पूरा। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, क्लोरो रो फॉर्म, क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है ना, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया आपका, कितना हो गया क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला CaCl3, ठीक है। इसकी अशुद्धियां कह रहा है कि 15 ppm का अर्थ, 15 ppm का अर्थ, 15 ppm का अर्थ है 15 ग्राम CHCl3
क्लोरोफॉर्म उपस्थित है टेन पावर सिक्स ग्राम विलयन में। पीपीएम में सांद्रता आप लोग बताए हैं कि पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है विलेय का वो भाग ग्राम में बटा विलयन का भार ग्राम में इंटू टेन पावर सिक्स, मतलब कि एक लाख दस लाख विलयन विलयन में उपस्थित विलेय के मात्रा को पीपीएम कहते हैं। तो दस लाख ग्राम कह रहा है ना, इतना दस लाख ग्राम में उपस्थित जो है कि विलेय की मात्रा को हम कहते हैं पीपीएम में सांद्रता। तो विलेय कितना हो गया, क्लोरोफॉर्म इतना हो गया और विलयन इतना हो गया, तो हमें फाइंड करना है भार प्रतिशतता। जान दीजिए क्या फाइंड करना है, कह रहा है तो है तो विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए पहला, और दूसरा कह रहा है क्लोरोफॉर्म की मोलालता। तो पहले भार प्रतिशतता निकाल लेते हैं, भार प्रति सतता तथा इक्वल विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलायक का भार, विलयन का भार, विलयन का भार गुणे सौ। तो विलेय का भार पंद्रह गुणे सौ बटे में टेन पावर सिक्स, सॉल्व कर दीजिए। पंद्रह गुणे दस घात माइनस फोर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भार प्रतिशतता, ठीक ना। अब कह रहा है मोललता, क्लोरोफॉर्म की मोललता, मोललता कर्ल डब्लू इंटू 1000 बटे में एम इंटू विलायक का भार ग्राम में। अब देखिए हमारे पास W दिया हुआ है 15 ग्राम, 1000 बटे में, अब क्लोरोफॉर्म का और भार हम लोग जोड़ करके निकाल लेंगे, तो क्लोरोफॉर्म का जोड़ यहाँ पर निकालेंगे तो और भार जो है कि आपका हो जाएगा 119.5 होगा। ये और भार है, क्या है, आड़ भार, ठीक ना, इतना हो जाएगा 119.5। तो यहाँ पर भार रखेंगे एम 119.5 गुणे। अब कह रहा है कि विलायक का भार, भाई हम यहाँ पर विलेय देख रहे हैं, विलयन देख रहे हैं, विलयन का भार दिया हुआ है 10 पावर 50, मतलब कि 10 लाख ग्राम है उसमें 15 ग्राम ग्लूकोज है, विलयन 10 लाख ग्राम का है तो उसमें 15 ग्राम ग्लूकोज है, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे 15 ग्राम को, मतलब कि जो विलयन का भार है वही विलायक का भार मान लेंगे। इसको मानेंगे जो विलयन का भार है उसी को विलायक का भार मान लेंगे और लिख देंगे 6, ठीक ना, और सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.0
25 सॉल्व कीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इंटू 10^4, ये आपका हो जाएगा मोलालता। ठीक है ना, इसको नोट करते चलिए आप लोग रुक रुक करके। आगे हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 2.13, 2.13 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 6.56 × 10^-3 ग्राम एथेन युक्त एथेन दिया हुआ है। कह रहा है कि एक विलयन है एथेन का, जिसमें एथेन कितना 6.56 × 10^-3 ग्राम एथेन है। एक संकेत विलयन में आंशिक दाब 1 bar है, इसमें आंशिक दाब P कितना रहा है 1 bar। कब, जब विलयन में 6.56 × 10^-3 ग्राम यदि मीथेन घोलते हैं तो उसका दाब कितना हो रहा है 1 bar हो रहा है। ठीक है, कर के विलयन में एथेन की मात्रा, अब ये पहला कंडीशन है, पहला शर्त। दूसरे शर्त में कह रहा है, दूसरा शर्त इस एथेन की मात्रा को हम हटा करके, ठीक ना, कितना कर दे 5.00 × 10^2 ग्राम यदि घोल दें तो आंशिक दाब क्या होगा, आंशिक दाब कह रहा है कि यदि हम इतना ग्राम एथेन घोले हैं तो दाब 1 bar है पहली शर्त के अनुसार, और दूसरी शर्त में कह रहा है कि इसी मात्रा को हम हटा कर इतना घोल दें तो आंशिक दाब क्या होगा। ठीक है ना, तो पहली शर्त के अनुसार पहले हम करते हैं, पहला शर्त शर्त के अनुसार, ठीक है, तो पहला शर्त के अनुसार m इक्वल क्या होता है kh × आंशिक दाब। ठीक है, और पहले शर्त में मास भी दिया हुआ है, आंशिक दाब भी दिया, हम kh फाइन कर लेंगे तो kh मास बटे आंशिक दाब, चलिए रख दीजिए 6.56 × 10^-3 बटे में 1, तो kh आ जाएगा 6.56 × 10^-3। kh निकल गया पहली शर्त के अनुसार, अब दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त m = kh × p। अब दूसरी शर्त में भार दे दिया है, आंशिक दाब पूछ रहा है भाई, तो यहां पर
केज जो इसमें आया हुआ है वही लगेगा, क्योंकि पदार्थ वही है तो बार बार बदलेगा नहीं, केवल अमाउंट बदल रहा है तो कांस्टेंट वही रह जाएगा। और तो हमें क्या फाइन करना है, पी इक्वल एम बाई क्या हो जाएगा कि एच रख दीजिए, एम कितना दिया है 5.00 × 10⁻²। ठीक है, अब बटे में केस जो निकाले हैं 6.56 × 10⁻³। सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कर देंगे तो आएगा 0.7 62 bar। ये आंशिक दबा गया आपका, ये हो गया आंसर। पहली शर्त में वेट भार दिया है तो केच निकाल लेंगे, क्लियर। अब उसी केच को दूसरे भार के अनुसार, जो दूसरा सप्तम दूसरी भार जो दे रहा है, रखने पर बार चेंज होगा, कितना बार आएगा भाई उसका प्रेशर, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना कीजिए आप लोग, क्रम से करते रहिए, आगे भी और क्वेश्चन हम बताएंगे, और खूब आराम से सीरियल वाइज कीजिए, हर लेसन के हर जो है कि टॉपिक और क्वेश्चन का आप लोग इसी तरह से ईजी में बताया जाएगा। ठीक ना, यदि समय मिलेगा तो उसको रिपीट भी कर दिया जाएगा। ठीक, लेकिन एक ये जो है कि अनुरोध है कि आप लोग जो है कि आपके मित्र दोस्त जो भी हो, उन लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मित्रों को कि इस चैनल पर जो है कि ये चीज़ चल रहा है। ठीक है ना, इसमें कि सीरियल वाइज से भाई थियरी न्यूमेरिकल बताया जा रहा है, तो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, और इसमें एक आइकन रेल है उसको पुश कर देंगे, तो जैसे जैसे क्रम से ये सब चीज़ें आप लोग के सामने जाएगी, आप लोग ईजी वे में मिलता रहेगा कंसेप्चुअल। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक आज के लिए इतना ही है, आप लोग तैयार कीजिए।